वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर। इन टूडेज वीडियो लेसन वी शैल डिस्कस अबाउट इंडिया अमेरिका रिलेशन आफ्टर कोल्ड वॉर पार्ट टू। जे शीतल युद्धर परवर्ती समय भारत अमेरिका संपर्क आज आम अध्ययन करवा आम पूर्व लेसन यार पार्ट वन अध्ययन कर आज पार्ट टू बा द्वितीय पार्ट टी अध्ययन करवा यह उभय ओडिया मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम रे प्रिपेयर कर आगर पांचटी जिनस विषय पर आलोचना करते बर्तन अन्य जिनस आलोचना करवा प्रेसलर ल एंड इंडो यूएस रिलेशन 1985 मसीहार प्रेसलर ल संशोधन भारत आमेरिका मध्य संपर्क से विषय आलोचना कर 1985 मसीहार प्रेसलर संशोधन अनुजाई पाकिस्तान आणविक बोमार अधिकारी हो नथिबारु एहा आमेरिकार साहाज्य पाइबो हकदार बोली आमेरिका जुक्ति करे। आमेरिका भ्यूड दैट दो इंडिया दो पाकिस्तान वाज नॉट होल्डर ऑफ न्यूक्लियर वेपन सो पाकिस्तान वाज एलिजिबल और पाकिस्तान वुड एलिजिबल टू रिसीव अमेरिकन एड्स बोथ स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल एड। केवल जॉर्ज बुश पाकिस्तान सपक्ष में सुपारिश करने को मना कर दे नुहे पाकिस्तान मध्य क्षेपणास्त्र निम्ते अमेरिका को अर्थ प्रदान करनथिला। इतिमध्ये पाकिस्तान प्रेसलर संशोधन विरोध में 1991 मसीह अभियान आरंभ कर दक्षिण एशिया को आणविक शक्ति मुक्त केन्द्र रूपे घोषणा करने को पाकिस्तान दावी कर एथनिमते पांचटी राष्ट्र एक सम्मेलन आह्वान करने प्रस्ताव रखी पाकिस्तान पाकिस्तान सब बड़े तार सुरक्षा निम्ते भारत विपद रही मत प्रकाश कर पाकिस्तान अलवेज ट्राएड अलवेज व्यूड दैट अमेरिका सॉरी इंडिया इज इट इज एनिमी सो पाकिस्तान कन्सीडर देर इज द डेंजर स्ट्राटेजिक डेंजर फ्रॉम इंडियन साइड टू पाकिस्तान अमेरिका साहय पाइबापी से यह कर सो फॉर रिसीविंग और फॉर गेटिंग स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम अमेरिका पाकिस्तान यूज्ड और व्यूड इन दिस वे किंतु बिल क्लिंटन निर्वाचन समय भारत सपक्ष में मत प्रदान करते और प्रथम दफा कार्यकाल मध्य बिल क्लिंटन भारत सहित संपर्क वृद्धि करने को प्रयास करते। नेक्स्ट हूँ ब्राउन संशोधन ओ भारत अमेरिका संपर्क ब्राउन अमेंडमेंट एंड इंडो यूएस रिलेशन 1995 ब्राउन संशोधन अनुसार पाकिस्तान को साहय प्रदान कर बाय अमेरिका प्रोवाइडेड मिलिटरी एंड फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान बाय ब्राउन अमेंडमेंट ऑफ 1995 इंडिया अपोज दिस अमेंडमेंट ऑफ अमेरिका। भारत राष्ट्रदूत एस एम राय मतरे ब्राउन संशोधन भारत अमेरिका संपर्क और अर्थनैतिक सहयोग को प्रभावित करने समान रही से भारत एंबेसडर द
ইন্ডিয়ান ডিপ্ল ইন্ডিয়াস অ্যাম্বাসাডর টু পাকিস্তান টু আমেরিকা এস এম রয় ভিউড দ্যাট দি আসিস্ট্যান্স ফ্রম আমেরিকা টু পাকিস্তান দ্যাট ডিটোরিয়েটেড রিলেশনস বিটুইন ইকোনমি ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমি মিলিটারি রিলেশনস বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড আমেরিকা। পুনর্বার ভারতর সুরক্ষা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা লা কারণ আগর পাকিস্তান ভারত বিধরে আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছিল। সো বিফোর পাকিস্তান ইউজ আমেরিকার উইপন এগেনস্ট ইন্ডিয়া ডুরিং দ্য ওয়ার 1965-1972। সো ইন্ডিয়া ভিউড আমেরিকা উড ইউজ অর আমেরিকা উইল ইউজ অল উইপন্স প্রোভাইডেড বাই পাকিস্তান উইল ইউজ অল উইপন্স প্রোভাইডেড বাই আমেরিকা টু পাকিস্তান নিয়ার ফিউচার। পাকিস্তানকে বহু সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র যোগান ভারত বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট লা বলে ভারত মত দিয়ে 1995 ব্রাউন সংশোধন গোটি থর পাই অস্ত্রশস্ত্র যোগান ক্ষেত্রে প্রতিরোধক জোরজার করে দিয়েছিল। 1956 এক আইন পয়েন্ট হয়েছিল। এরপরে পাকিস্তান তাকে সীমিত পরিমাণের সাহায্য ও তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা সহযোগী সিন্ধু সদস্য উপরে চাপ পকাইছিল। এদ্বারা ব্রেসেল সংশোধন অকামী হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। আমেরিকার যে বহুরাষ্ট্র কোম্পানি মানে পাকিস্তানে কার্য করছেন সেমানে বিদেশি পুঞ্জি লাভ করে পারবে। পাকিস্তান সামরিক সুরক্ষা বাহিনী আমেরিকার তালিম গ্রহণ করে পারবে। ব্রেসেল সংশোধন ব্যবস্থায় আবশ্যক সাহায্য পাইপারিব কারণ পাকিস্তান সহিত আমেরিকার সম্পর্ক অত্যন্ত পুরাতন। আমেরিকা সরকার পাকিস্তানের সহায়তার ভারতকে দুর্বল করা চেষ্টা করছিল। ইকোনমি লিবরেশন পলিসি অ্যান্ড ইন্ডো ইউএস রিলেশন ভারতর আর্থিক উদারীকরণ নীতি ও ভারত আমেরিকা সম্পর্ক ফ্রম 1991 ইন্ডিয়া ফলোড দি পলিসি অফ ইকোনমি লিবারেলাইজেশন। সো ইন্ডিয়া ফলো দ্য লিবারেলাইজেশন পলিসিস ফ্রম শ্রী নরসিংহ রাওস টাইম অর ফ্রম শ্রী নরসিংহ রাওস প্রাইম মিনিস্টারশিপ। আমেরিকা সরকার এহাকু দৃঢ় ভাবে সমর্থন করছিল। আমেরিকা সপোর্টেড দ্য নিউ ইকোনমিক পলিসি অর লিবারেশন পলিসি অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ফেভারেবল টু আমেরিকা। সো বাই লিবারেশন পলিসি ইন্ডিয়া উড গেট ফাইন্যান্সিয়াল এইড অর লোন ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফন্ড আন্তর্জাতিক মুদ্রা পাণ্ঠির ভারত তার ঋণ পাইপার যদি তার ভারত তার বৈদেশিক নেদেন বা ভারতর আর্থিক উদ্যোগীকরণ নীতি কার্যকরী হুয়ে। ক্লিন্টন দ্বিতীয় থর ক্ষমতাকে আসার পরে ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত সহিত সুসম্পর্ক রক্ষা করিব। ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পদক্ষেপ মান গ্রহণ করুথিবারু আমেরিকা ভারত সহিত সুসম্পর্ক রক্ষা করিবাকু প্রয়াস করিব। দুই দেশ মধ্যে দিস ইজ দ্য ভিউ অফ বিল ক্লিন্টন দুই দেশ মধ্যে
द्विपाक्षिक संपर्क रक्षा करने उभय देश आग्रही थे। शीतल युद्ध पर चीन अपेक्षा भारत लक्ष्य था। क्लिंटन मतरे भारत विश्वर प्रथम 10टी राष्ट्र मधर अन्यतम, तेणु यह आमेरिकार लक्ष्यर केन्द्रबिंदु पाल्ला। सो ड्यूरी द एज ऑफ लिबरेशन व्हेन इंडिया फॉलोड द इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसी देयर वाज द गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। Now we shall discuss about Pokhran nuclear explosion and Indo-American relation. भारतर पोखरान आणविक विस्फोरण 1998 एवं भारत आमेरिका संपर्क विषय घटना अध्ययन करवा। इंडिया कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1998 से गोटे तापज आणविक विस्फोरण थिला। एहा अमेरिका भारत मधरे संपर्क को पुनः खराब कर दे थिला। सो इन 1998 व्हेन इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट दैट बिटेर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। या पर जापान सहित अन्यान्य राष्ट्र मध्य भारत को समालोचना करते एवं अमेरिका अन्य केतक राष्ट्र मध्य भारत को अर्थनैतिक बासंद घोषणा करते। अन्य पक्ष अमेरिका भारत को व्यापक परीक्षा निषेध चुक्ति हस्ताक्षर करने को बाध्य कर भारत जुक्ति दर्शाला जे भारत एक तरफा भाव आग को विस्फोरण करना बोली घोषणा कर करी व्यापक परीक्षा निषेध चुक्ति नीति को अनुसरण करपरी एक सदस्य न हो पड़ी जहाँ विभेद सृष्टि कर। दो इंडिया वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया वाज नॉट साइंड इन सीटीबीटी, इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीटीबीटी एंड इंडिया टेक डिसीजन नॉट टू टेस्ट न्यूक्लियर नॉट टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन नियर फ्यूचर बट इंडिया वाज नॉट साइन ऑन दैट सीटीबीटी। भारत मत प्रदान करें जे चीन एक आणविक शक्ति संपूर्ण राष्ट्र, यह भारत एक शत्रु राष्ट्र अटे। यह चीन पाकिस्तान को साहय कर तेणु भारत आणविक शक्ति संपन्न होगा बाध्य। देखा कारगिल वार एंड इंडो यूएस रिलेशन, जे कारगिल युद्ध समय भारत अमेरिका मध्य संपर्क किपरला से विषय बर्तन आलोचना कर। कारगिल युद्ध समय और पर पृथ्वी दुई बृहत गणतंत्र राष्ट्र मधे पुनः संपर्क धारा आसीला। ड्यूरींग द कारगिल वार एंड आफ्टर कारगिल वार देर इज द गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इम्प्रूवड ड्यूरींग कारगिल वार एंड आफ्टर कारगिल वार। यही परिवर्तन पाई पाकिस्तान परोक्ष अवदान रही, पाकिस्तान ही अवदान अच्छी ये भारत अमेरिका मध्य संपर्क। कारगिल रे युद्ध परिस्थिति सृष्टि करी पाकिस्तान प्रमाण करदेवाकू चाहे यह कौन सी चुक्ति बा आईन प्रति पाकिस्तान सम्मान ना, यह भारत विरुद्ध सीमापार आतंकवाद को प्रोत्साहित करतीत। क्लिंटन प्रशासन अनुभव कर निकट भविष्य में भारत एक बृहत् शक्ति परिणत हो जाऊँगी, तेणु भारत सहित अमेरिका संपर्क एकांत जरूरी। नेक्स्ट है आंतर्जातिक आतंकवाद और भारत अमेरिका संपर्क, इंटरनेशनल
टेररिज्म एंड इंडो यूएस रिलेशन आमेरिका और आंतर्जातिक आतंकवादी कार्यकलाप को दृढ़ भाव विरोध कर आमेरिका अपोज ऑल टाइप ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज और इंटरनेशनल टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैंने आतंकवादी कार्यकलाप लिप्त अच्छा विरुद्ध दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करने एकमत हो 2001 मसीह सेप्टेम्बर 1 तारीख में आमेरिका पाकिस्तान ठीक दूरे जावा चेष्टा कर सेप्टेम्बर 11, 2001 मसीह पर आमेरिका पाकिस्तान प्रति तार दृष्टिकोण पर आमेरिका चेंज द इट इज एटीच्यूड टुवर्ड पाकिस्तान आफ्टर 9/11 और सेप्टेम्बर 11 भारत आमेरिका उभय सीमा पर आतंकवाद शिकार होथिबारु सेमाने यह भीतरे एकत्रित होइथिले उभय भारत आमेरिका भारत महासागर अंचल शांति प्रतिष्ठा करने प्रतिज्ञाबद्ध चीन को यह मध्यरे दूरे रखा जाइछि ओ सीमा पर आतंकवाद बंद करने पाकिस्तान चेतावनी मध्य आमेरिका दे था 9/11 घटना पर द्वितीय थर पर पाकिस्तान को सन्त्रास चरम पत्र आमेरिका दे था आमेरिका तार आणविक अस्त्रशस्त्र विक्रय क्षेत्र में मध्य तार नीति में परिवर्तन आने निष्पत्ति पाकिस्तान को अस्त्रशस्त्र देवा फल सन्त्रासवादी माने से अस्त्रशस्त्र आमेरिका विरुद्ध व्यवहार करिपारंति बोली आमेरिका चिंता करुछि यह थिला भारत आमेरिका संपर्क माने शीतल युद्ध पर थैंक यू वेरी मच थैंक यू।